अरे चंचल, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो ना, मेरी 3 दिन के लिए ऑफिस की मीटिंग है दिल्ली में। इतनी मुश्किल से तो फिटनेस रूटीन बनी थी मेरी, अब सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्या करूँ मैं? अच्छा, मैं अगर कहूँ कि तुम्हारी रूटीन बिल्कुल खराब नहीं होगी, तुम्हें बस अपने रूम में एक्सरसाइज के लिए 30 मिनट्स निकालने हैं। ये कैसे पॉसिबल है? आओ मैं तुम्हें 6 ऐसी एक्सरसाइजेस बताती हूँ जिसमें तुम्हें सिर्फ अपने रूम में 30 मिनट्स निकालने हैं। कुछ इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बस ये 30 मिनट्स और तुम्हारी सारी बॉडी की मसल्स एक्टिवेटेड रहेगी। जब भी हम ट्रैवल कर रहे हो या अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रूटीन दोबारा से गैप के बाद स्टार्ट कर रहे हो, तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जो है हमें बहुत हेल्प कर सकती है हमारे मसल्स को एक्टिवेटेड रखने में और हमारी जर्नी को बनाए रखने में। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी 6 एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जो हमारी फुल बॉडी मसल्स को एक्टिवेट कर सकती है, कभी भी कहीं भी बिना किसी इक्विपमेंट के। एक्सरसाइज नंबर 1, पुशअप्स। पुशअप्स जो है आपकी अपर बॉडी को एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प करेंगे आपको, स्पेशली आपके चेस्ट मसल्स में, आपके कोर मसल्स में। इसके लिए अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप नी पुशअप से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बेड अवेलेबल है उसके ऊपर हैंड्स रख कर आप ये पुशअप्स स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, ट्राइसेप प्लैंक एक्सटेंशन। ये आपके ट्राइसेप्स को एक्टिवेट करेगा और उसके साथ साथ आपके कोर में भी हेल्प करेगा, आपकी ओवरऑल आर्म्स में, आपकी बॉडी स्टेबिलिटी में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। जस्ट मेक श्योर आप जब भी अपनी आर्म्स चेंज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी इधर उधर स्विंग ना हो। एक्सरसाइज नंबर 3, सिटअप्स विद रशियन ट्विस्ट। ये जो है आपके एब्स के लिए बहुत अच्छी है, आपके एब्डोमिनल मसल्स अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे। इसमें आपको जस्ट एक क्रंच का नेक्स्ट वर्जन है सिटअप्स, कोशिश करना है पूरा उठें। अगर आप नहीं पूरा उठ पा रहे हैं तो आप क्रंच भी कर सकते हैं और रशियन ट्विस्ट अलग से भी कर सकते हैं। रशियन ट्विस्ट आपके साइड एब्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। एक्सरसाइज नंबर 4, स्क्वाट्स। स्क्वाट्स जो है आपकी लोअर बॉडी को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा, आपके ग्लूट्स, आपके हैम्स, आपके क्वाड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जस्ट मेक श्योर स्क्वाट्स के अंदर आपका जो सारा वेट है वो आपके हील्स पर आए, दैट मीन्स आपके फुट के बैक पार्ट पर आए, तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। एक्सरसाइज नंबर 5, सुपरमैन टाल पुल। इस एक्सरसाइज को आप किसी और क्लोथ अवेलेबल है जो थोड़ा लेंथ में है उसके साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर आपने उसको खींच के रखना है जोर से, ताकि आप उसको पुल करो तो आपके सारे मसल्स एक्टिवेट हो। ये आपकी बैक मसल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, आपकी लोअर बैक को भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। एक्सरसाइज नंबर 6, बर्पीज। बर्पीज जो है ये आपके ओवरऑल बॉडी के ऊपर भी रोल प्ले करता है, एज अ फंक्शनल वर्कआउट भी और एज अ स्ट्रेंथ वर्कआउट भी, सिंस इसमें आपके सारे मसल्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत बेनिफिट देती है। तो ये जो सारी 6 एक्सरसाइजेज हैं, फुल बॉडी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके बॉडी के हर एक मसल को एक्टिवेट करने में आपकी हेल्प करेगी। आई होप आपको मेरी इन चीज़ों से मदद मिली हो कि आप जब भी ट्रैवल करें, जब भी दोबारा से रूटीन स्टार्ट करें, तो बिल्कुल भी एक्सक्यूज ना मिले ना करने का और आपके मसल्स भी आपको थैंक यू बोले। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि और क्या चीज़ है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। उसके अलावा जस्ट लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर लो ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।